अगर आप लोग UPI बेस्ड एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, मीन्स फोन पे, गूगल पे या पेटीएम का यूज करते हैं, तो आप लोगों के मन में कभी एक सवाल ऐसा जरूर आया होगा, इसका यूज कर ATM से कैश विड्रॉ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अब ये फैसिलिटीज आपको जल्द ATM में देखने को मिलेगी कि UPI ऐप का इस्तेमाल करके ATM से कैश विड्रॉ कर सकेंगे। ये कार्डलेस ATM कैश विड्रॉ की फैसिलिटीज आपको सिटी बैंक प्रोवाइड करेगी। इससे पहले बाकी बैंक भी आपको कार्डलेस विड्रॉल की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, मीन्स बिना ATM कार्ड का यूज किए हुए ATM से आप कैश विड्रॉ कर पा रहे हैं। जैसे कि योनो कैश की बात करें, योनो QR कैश की बात करें, या फिर यहाँ पर HDFC में कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटीज मिलती है, एक्सिस बैंक में मिलती है, यहाँ पर कैनरा बैंक में आपको ये फैसिलिटीज मिलती है कि बिना ATM कार्ड का यूज किए हुए आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या, ये इंटर ऑपरेबल नहीं है, मीन्स जो कस्टमर जिस बैंक के हैं उसी ATM में जाकर वो कैश विड्रॉ कर सकते हैं। SBI की बात करें तो आपके पास योनो ऐप होना चाहिए, फिर आपके पास SBI का ATM होगा, तभी आप कार्डलेस कैश विड्रॉ कर पाएंगे। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है बाकी कस्टमर्स के लिए। फिर यहाँ पर जो भी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें या बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, वो भी आपको कार्डलेस कैश विड्रॉ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो उनका भी सेम फीचर्स है, आपके पास उनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होना चाहिए और सेम ATM से जाके ही कैश विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इंटर ऑपरेबल ICCW इंटर ऑपरेबल कैश विड्रॉल फैसिलिटीज की। इससे क्या हुआ, कोई भी आपके मोबाइल फ़ोन में UPI बेस्ड एप्लीकेशन, मीन गूगल पे, फ़ोन पे या फिर अदर कितने भी UPI बेस्ड एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करके इजिली ATM से कैश विड्रॉ कर पाएंगे कार्डलेस तरीके से। इसकी स्टार्टिंग लिमिट यहाँ पर कही गई कि 5,000 रुपीज़ रखी जाएगी। सिटी बैंक्स ने ये फैसिलिटीज़ आपको जल्द आगे दो महीनों में आपको प्रोवाइड करेगा। और भी बैंकों के साथ यहाँ पर टाइप कर रहा है, यहाँ पर जितने भी NCR कॉरपोरेशन है, जितने भी ATM देखने का काम यहाँ पर इंडिया में करती है NCR कॉरपोरेशन, और यहाँ पर NPCI जो UPI की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों और भी बैंकों से यहाँ पर बात चल रही है प्राइवेट बैंक के साथ। यहाँ पर क्या है कि कोई हार्डवेयर चेंजेस करने की ATM में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर चेंजेस से ही चीज़ें हो जाएंगी। तो ये इजी भी हो जाएगा सॉफ्टवेयर चेंजेस में, अगर यहाँ पर UPI कैश विड्रॉल की फैसिलिटीज़ होती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आगे वाले कुछ महीनों में आपको और भी बैंकों के ATM में ये फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी कि आप अपने UPI बेस्ड एप्लीकेशन का यूज़ कर कैश विड्रॉ कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर SBI के QR कैश विड्रॉल की बात करें, जो आपको SBI योनो एप्लीकेशन के थ्रू मिलती है, तो वहाँ पर क्या होता है, स्क्रीन पर आपको दिखता है ऑप्शंस, QR कैश निकालना है तो QR कैश पे आप क्लिक करते हैं, वहाँ पर आपको अमाउंट सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद एक QR कोड बन जाता है। ये डायनेमिक QR कोड होता है, इसे फ्रॉड करना भी मुश्किल है क्योंकि हर बार ये अलग अलग QR कोड बनेगा। तो यहाँ पर QR कोड अपने कोई भी भीम एप्लीकेशन या फिर कोई भी मोबाइल UPI बेस्ड एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं उससे स्कैन कर लेना है और सिंपली कन्फर्म करेंगे और आपका रिसीव हो जाएगा पेमेंट, ATM से कैश विड्रॉ आप इजीली कर पाएंगे। तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए भी, एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक अच्छा फीचर्स है। जैसा कि आप लोगों को पता है ATM क्लोनिंग की फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़े हैं आगे 2-3 सालों में, देखें पिछले EMV चिप ATM कार्ड आने के बाद भी यहाँ पर क्लोनिंग नहीं रुकी है, बहुत सारे क्लोनिंग यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से हो ही जाती है। तो इस तरीके का फीचर्स से क्या होगा कि अब कार्ड क्लोनिंग के जो फ्रॉड्स वगैरह आप सुनते थे वो ना के बराबर ही आपको देखने को मिलेंगे, मीन्स आप अपने मोबाइल ऐप वॉलेट का ही यूज़ कर कैश विड्रॉ इजिली कर पाएंगे। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, ये फीचर्स अगर आप आता है तो कैसा रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जल्द उम्मीद करते हैं कि फीचर्स बाकी ATMs में भी देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं।